यूपीपीसीएस 2022 में देवप्रयागम के चयनित हुए आप सभी ग्लोरियस को ढेर सारी बधाई, और इसी उत्कृष्ट चयन की अपनी पुरानी परंपरा को बनाए रखते हुए देवप्रयागम के हमारे नए ग्लोरियस हैं शानदार ट्रेजरी ऑफिसर के पद पर चयनित किशन गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई, और आपका चयन बेहतरीन हुआ है। हालांकि अभी एक छोटी सी पोस्ट पर भी इनका चयन हो चुका था, मार्केटिंग इंस्पेक्टर पर भी, लेकिन अभी शानदार चयन के लिए इनको पूरा देवप्रयागम परिवार इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है, और हम लोग जानेंगे इनकी सफलता का राज जानेंगे, और देवप्रयागम के सहयोग को भी इनके जुबानी से जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। मेरा नाम किशन गुप्ता है और मैंने 2022 यूपीपीसीएस की परीक्षा में ट्रेजरी ऑफिसर के पद पे चयनित हुआ हूँ। जैसा सर ने बताया कि देवप्रयागम एक ऐसा संस्थान है जिससे मैं मेंस टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम से जुड़ा था, और आंसर राइटिंग जो वर्तमान परीक्षा है उसका सबसे बड़ा पोर्शन आंसर राइटिंग है, और मैं देवप्रयागम के टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़कर आंसर राइटिंग के विभिन्न पहलुओं को सीखा, जिसका परिणाम आप लोगों को दिख रहा है कि मतलब फ्लाइंग कलर से मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ, जबकि पिछली बार मेरा चयन अंतिम रूप से नहीं हो पाया था सर। और मैंने इंटरव्यू की क्लासेस जो सर के द्वारा एक्सक्लूसिव चलाई जाती हैं उसका हिस्सा बना, साथ ही सर के साथ लगातार मॉक टेस्ट में भी शामिल हुआ, और जो सर की सबसे बड़ी खासियत है सर की सुपर हिट बुकलेट, जो 6 बुकलेट के माध्यम से सर पूरे इंटरव्यू के कोर्स को प्रिपेयर कराते हैं, वो बहुत ही अद्भुत और सराहनीय कदम है, और मैं इस चीज़ के लिए सर का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया और जो भी कमियाँ रहीं उसको सही तरीके से दूर करके मुझे आयोग में इंटरव्यू देने के काबिल बनाया, और आज परिणाम ये हुआ कि सर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और आज अंतिम रूप से चयनित भी हुआ, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और सर का जो यूपी स्पेशल वर्तमान में जो नए दो पेपर जुड़े हैं उसकी जो बुकलेट है सर की वो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जिससे एक अभ्यर्थी को बहुत ही अपने तैयारी के दौरान मदद मिल सकती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में हो रहे विभिन्न परिवर्तन, जैसे कमिश्नरेट प्रणाली हो या नए नए संस्थाओं और आयोगों का गठन हो, उसके माध्यम से गुड गवर्नेंस लाना हो, उत्तर प्रदेश में प्रशासन में ई गवर्नेंस जैसी तमाम चीज़ों का विश्लेषण सर ने अपने यूपी स्पेशल के बुकलेट में किया है, और निश्चित रूप से वो दोनों बुकलेट मेंस परीक्षा के लिए और साथ ही इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए बहुत ही कारगर है, और मैं इस चीज़ के लिए सर को आभार ज्ञापित करता हूँ और सर का धन्यवाद करता हूँ। बाकी तो आप लोगों का परिश्रम है अपने इस परिश्रम को आप लोग ऐसे ही बनाए रखें। बिल्कुल सर, बस दिशा निर्देश की जो हम लोगों की ज़रूरत थी वो सर के माध्यम से पूरी हुई। और आप लोग मिष्ठान भी खाइए। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, शानदार सफलता के लिए आपके उज्जवल भविष्य की हम सभी लोग कामना करते हैं। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते जाएं और राज्य सरकार की सेवाओं में उत्कृष्टता बनाए रखते हुए आप सरकार में अधिक से अधिक जो है प्रोडक्टिव रहें और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएं। बिल्कुल सर।